मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, लेकिन दिमाग खराब है, दिल ठीक है। वही वही जानना चाहते कि क्यों दिमाग खराब है ऐसे ऐसे कि इतना बड़ा सुपरस्टार जिसको अमिताभ बच्चन कहते हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है, और जिनके साथ मैंने खुदा गवाह बनाई, उनकी ये पिक्चर देख के बड़ा मायूस हो रहा हूँ। वो जब जब आए तब तो पिक्चर में थोड़ी बहुत लाइव आई है, बाकी ठग ने तो ठग ही दिया है। दिवाली के मौके पर बाहर टिकट मिलना इतना मुश्किल होता है, काउंटर पे टिकट्स मिल रहा था। जी जी जी, क्या मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट किया था आपने कि थर्ड? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कैसा होगा। मैंने एक्सपेक्ट उसको किया था कि ये आमिर की और अमित जी की फिल्म है तो ये कमाल कर देगी, और वही सोच के मैंने मेरे 2000 सीट वाले गेटी गैलेक्सी 2 थिएटर में पिक्चर लगाई थी। बड़ी मायूसी हो गई। फर्स्ट डे पे तो ठीक था, लेकिन जैसे ऐसे ऐसा ऐसे ही होता है कि सैटरडे तो और बढ़ता है क्राउड, संडे तो हाउसफुल होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ सर। तो क्या रीज़न होगा, आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है? पब्लिक समझ नहीं पाए डायरेक्टर को। सबसे पहले डायरेक्टर को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ वो पिक्चर बरोबर बना नहीं पाया। पिक्चर टूटती है बीच में और पब्लिक को एज्यूम करना पड़ता है कि ये हीरोइन अभी दोरी से लटकी थी, वो वहाँ से गिरी और घोड़े पे गई और घोड़े से भाग रही है। तो ये सब अगर पब्लिक को अंदाजा लगाना है तो तुम डायरेक्टर किस काम के? मतलब पिक्चर टूट टूट के पब्लिक के सामने जा रही थी। वो पिक्चर जो टूट टूट के जाती है पब्लिक के सामने, वो एक सामान्य जो पब्लिक है, जो मास पब्लिक है, उसको वो सब दिमाग नहीं होता कि यहाँ एडिटिंग कैसे हुआ है। वो सबको समझ में नहीं आई। वो उन्होंने बाहर जाके जो माउथ पब्लिसिटी की कि पिक्चर समझ के बाहर है, बिल्कुल समझ में नहीं आई, उसकी वजह से पिक्चर ड्रॉप जाती है, पिक्चर में ड्रॉप आता गया। ऐसा ही होता है सर, मतलब गेटी गैलेक्सी में हिट तो मूवी सुपर हिट, लेकिन यही ऐसा हाल है तो बाहर मल्टीप्लेक्स में तो बहुत बुरी हालत थी। यहाँ के वर्कर्स से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि जैसे ही दिवाली आता है तो हमारे लिए इतना काम होता है कि हमको बैठने की फुर्सत नहीं होती, लेकिन थर्ड्स में ऐसा होगा कि हम आराम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मेरे वर्करों ने, क्योंकि दिवाली प्रोमिनेंट होती है, और दूसरा ये 2 स्टार के होते हुए तो यही सोचा था कि ये कमाल हो जाएगा, वंडर हो जाएगा, लेकिन समझ नहीं आई बात कि किस तरह की डायरेक्शन दी उन्होंने, किस तरह की स्टोरी बनाई जो स्टोरी ने ग्रिप नहीं पकड़ी। और जब भी कोई इंग्लिश पिक्चर का कॉपी हम करते हैं, जैसे वो पायरेट का कॉपी किया, तो 17 बार सोचना चाहिए, और जब सोच नहीं पाते तो पिक्चर डिक्लाइन हो जाती है। और ये बात का बड़ा दुख रहेगा कि इतनी बड़ी अमर जोड़ी को यूटिलाइज नहीं कर पाए। और मेरे वहाँ तो 3 थिएटर थे, मराठा मंदिर भी बहुत बड़ा थिएटर है, तो मराठा मंदिर सिनेमा और गेटी गैलेक्सी तीनों में अचानक संडे के दिन ड्रॉप आना, वो बहुत बड़ी बात है। दिमाग काम नहीं कर रहा था और हकीकत में रियली बहुत फील हुआ है। नहीं नहीं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा अभी। ये ट्रस्ट करने पे ही गड़बड़ होती है। आने वाली फिल्म भी है, अभी फिल्म आ रही है 2.0 आ रही है, उसके बाद वो 0 आ रही है हमारे शाहरुख साहब की। अभी वो 0 को लोग कंपेयर करेंगे अप्पू राजा से, तो वो सब चीज़ बड़ी परेशानी अभी से कर रही है। तो अभी तो वेट एंड वॉच, अभी से बोलना नहीं ये पिक्चर बहुत अच्छी जाएगी ऐसे प्रिज्यूम नहीं करना है। वेट एंड वॉच, वेट करते रहो, अगर हुए तो ठीक, नहीं हुए तो ठीक। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टार्स है तो मूवी सुपर हिट होगी, स्टोरी है तो सुपर हिट है, क्योंकि ऑडियंस आज का ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। सबको कंटिन्यूटी चाहिए, अच्छे डायलॉग चाहिए, अच्छा म्यूजिक चाहिए, म्यूजिक तो भूल ही गए हम लोग, और कंटिन्यूटी चाहिए। अब सब पढ़े लिखे बच्चे आते हैं और ये सब नहीं मिला फिर पिक्चर कैसे हिट होगी? जैसे बधाई हो अंधाधुन अभी भी चल रही है और थर्ड्स में सीट। हाँ, बधाइयों में अभी भी चला रहा हूँ, अंधाधुन भी अभी चला रहा हूँ, सब अप्रिशिएट हो रही है। तो ठग्स में ये हो गया तो ठगे गए फिर हम। अब आमिर खान से आपने ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आमिर खान की मूवीज तो कुछ ना कुछ तो मैसेज 17 बार सोच के करता है, जैसे अमित जी 17 बार सोचते हैं, दोनों ने 34 बार सोचा नहीं इस बार नहीं, और गड़बड़ हो गई। हाँ, तो अभी जो 2.0 आ रहा है उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन हमने हमारे तरफ से सब कुछ तैयार रखा है। नहीं नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत है, उसके साथ अक्षय कुमार भी आ रहे हैं, तो कुछ प्लान वैन? अभी अक्षय कुमार नेगेटिव रोल है इसलिए डर लग रहा है वापस।
सब कुछ अभी है ना सोचो 17 बार, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, इन शॉर्ट वेट एंड वॉच करेंगे अभी पब्लिक के ऊपर सब है, जो जनता सोचेगी वो हिसाब से हमें खुशी मिलेगी, बाकी तो रोते बैठे ही है। तो अभी मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इस दिवाली आपकी बॉम्ब जो है वो फुस हो गई। हाँ टाइटाइफिस, टाइटाइफिस हो गई। हाँ अभी आगे देखना है कुछ ऐसा ना हो, अच्छा अच्छा ऑक्सीजन मिल जाए, हाँ वही 2.0 या 0 से वो धमाका वापस कुछ धमाका हो जाए, हाँ न्यू ईयर बन जाए, एक नया साल को यानी नए साल के नज़दीक होंगे और एक अच्छा सा माहौल बन जाए, बस वही चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बस ऑल द बेस्ट।